रॉयल राइज डेवलपर्स आपको दे रहा है शहर की सबसे शानदार लोकेशन पर रहने का मौका, क्योंकि हम मकान नहीं घर बनाते हैं, वो भी बेहद कम दामों पर। अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करें। भोसावल रेल मंडल के DRM राजीव कुमार गुप्ता आज खंडवा पहुंचे। उन्होंने खंडवा स्टेशन का निरीक्षण किया, इसी के साथ यार्ड रिमोल्डिंग और अकोला खंडवा इंदौर होने जा रहे ब्रॉडगेज के विषय में प्रोग्रेस रिपोर्ट जानी। उन्होंने अवैध वेंडरों के विषय में भी कार्रवाई करने की बात कही। DRM ने प्लेटफॉर्म नंबर 6 के भी जल्द शुरू होने की बात कही। निजात पा रहे हैं, वैक्सीन भी आ गई है, उसके बाद जो भी अभी कार में तेजी लानी है उसके लिए मैं आज आया था। देखा प्लेटफॉर्म नंबर 6 का कार, उसको भी आगे बढ़ाना है, जल्दी कंप्लीट करना है। इसके अलावा खंडवा से जो हमारी अकोला की तरफ और खंडवा से रतलाम की तरफ जो लाइनों का कनेक्शन है उसके बारे में भी मैंने साउथ सेंट्रल रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर और सेंट्रल रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर लोगों को भी सबको नक्शा लेके बुलाया था, यहाँ उनसे चर्चा की है। हम आगे का हम लोग कार्रवाई करेंगे जिससे ये कनेक्शन जो पुराने कनेक्शन हैं कार में तेजी ला सकते। सर, रेलवे को सोर्स अपने इनकम को सोर्स बढ़ाने थे, इसको लेकर तो बात हुई थी पहले 2015 में बात हुई थी कि यहाँ कुछ ऐसे मॉल्स जैसे हबीबगंज तैयार हो रहा है वैसे ही तैयार किए जाएंगे, तो उसको लेकर के क्या? इसके लिए रेलवे में रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक हमारी एक सिस्टर कंसर्न है, उनको खंडवा स्टेशन पे आकर और यहाँ पर एक बड़ा स्टेशन जो सारी सुविधाओं संपन्न हो वो स्टेशन बनाकर साथ में और कॉमर्शियल एक्सप्लोटेशन करके जो पैसा मिल सकता है उसकी योजना का प्रारूप दिया जा रहा है RLDA द्वारा। मेरे ख्याल से वो भी कार्य अभी थोड़े दिन में शुरू होने वाला है। कुछ ड्यूरेशन बताएंगे ये अपना यार्ड रिमोल्डिंग या चैनल बनाने में कब तक कंप्लीट होने? ये सब बहुत बड़े काम है, जटिल कार है, लेकिन इनको हम फेज बारे में पूरा करेंगे। फेज वन फेज टू अभी हमने डिसाइड किया है। जैसे यहाँ से जो मीटर गेज की लाइन है उससे ओंकारेश्वर के कनेक्शन के लिए वो फेज वन में कार्य करने का प्रारूप है, मेरे ख्याल से एक साल में लगभग पूरा होना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ और, जैसे आप ये अपना रेस्टोरेंट है, रेलवे रेस्टोरेंट जो रेलवे कैंटीन है, उसकी लागत इस बार कम रखी गई है, मतलब बहुत कम कर दिया है 2015 के अपेक्षा, तो सर रेलवे को घाटा होगा? लागत हमने कम नहीं की है, हमारा उद्देश्य यात्रियों को सुविधाएं देना है। अब आपको मालूम है कोरोना काल में यात्रियों की संख्या यहाँ बहुत कम, संख्या को कम में रखते हुए रिजर्व प्राइस उसके हिसाब से फिट किया जाता है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग खाना खा रहे हैं, उनकी सुविधा देना हमारा ज़्यादा कल खाना तो खाते नहीं होगा। मतलब अभी जैसे आप आए हो ना तो अभी एक भी अवैध वेंडर नहीं दिख रहा है, नहीं तो पूरा स्टेशन खचाखच भरा रहता है। यात्रियों के लिए सर वो ब्रिज बंद कर दिया गया है, ऊपर ब्रिज बंद कर दिया कि यात्री नहीं आ पाएंगे, कोरोना है, लेकिन अवैध वेंडर्स के लिए हम कोई रोक टोक नहीं। अवैध वेंडर्स का भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं, RPF और कमिश्नर स्टाफ, बल्कि CCTV लगाए गए हैं और उन CCTV के जरिए हम भुसावल से भी उसको मॉनिटर करते हैं। सर आपके नजरों में जैसे RPF SI को भी उन्होंने अभी मारा, उसके पहले GRP SI को भी मारा था उन्होंने बुरहानपुर में। खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ फर्स्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। हर्ष उपाध्याय, खंडवा।